Sampurna students. Today we will do English Sunbeams of class 6th, chapter number 2, A Little Grain of Gold. What is the lesson name? A Little Grain of Gold. Through this poem, this is actually a poem written by Rabindranath Tagore. Through this poem, the poet talks about the willingness to give something without expecting any favor in return. This poem signifies the attitude of giving instead of receiving. Okay? So, in this chapter, you will come to know and you will understand what the poet wants and what the poem is signifying. Actually, in this poem, the poet wants to say about the willingness to give something without expecting any favor in return. Means हमें किसी भी चीज को देने में विश्वास रखना चाहिए, ना कि उससे हमें क्या मिलेगा in return, means वापस हमें क्या मिलेगा, इस सोच में हमें किसी के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए. Now we will start the poem. I had gone a begging from door to door in the village path when thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, and I wondered who was this king of all kings. Means here the poet wants to say ki one day the poet went for begging from door to door. Means the poet kaha ja rahe the, वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भीख मांगने जा रहे थे, भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे. इन द विलेज पाथ मतलब गांव के रास्ते पर. व्हेन दाई मीन्स योर दाई गोल्डन चैरियट अपियर्ड मतलब आपका गोल्डन चैरियट. गोल्डन मीन्स सोने का और चैरियट मीन्स रथ. सोने का रथ अचानक से अपियर हुआ मीन्स सामने आया. इन द डिस्टेंस थोड़ी दूरी पर. लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम बिल्कुल एक सुनहरे सुंदर सपने की तरह. एंड आई वंडर्ड और मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया. हु वॉज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स ये कौन है जो राजाओं के राजा हैं. राजाओं के राजा दैट मीन्स द गॉड. ओके हम गॉड को किंग ऑफ ऑल किंग्स कहते हैं बिकॉज वो राजाओं के राजा है. वो सर्वोपरि है. ही इज द टॉप मोस्ट. माई होप्स रोज हाई और मेरी इच्छा या मेरी लालसा और ज्यादा बढ़ने लगी. एंड मी थॉट माई एविल डेज वर एट द एंड. एविल डेज मीन्स बुरे दिन, जो खराब दिन होते हैं, जो हमारे परेशानियों के दिन होते हैं, वो अब उनके खत्म होने वाले थे. उनको ऐसा लगता है सामने रथ देखकर भगवान का कि अब उनके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं. एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर alms टू बी गिवन unasked एंड फॉर वेल्थ scattered ऑन ऑल sides इन द डस्ट. मीन्स वो अब जो बेगर हैं, जो पोएट हैं, वो खड़े हैं किस लिए? वेटिंग फॉर alms. alms मीन्स मनी. मनी का वेट कर रहे हैं जो कि उनको बिना कहे मिलने की उनको शंका थी, मतलब आस थी. उनको लग रहा था कि बिना कहे मुझे भगवान पैसे और मुद्राएं देंगे. फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट मीन्स वो जो हीरे जवाहरात, सुख शांति, ये सारी चीज, पैसे, ये सब बिखरे होंगे मिट्टी में नीचे जमीन पर और वो चारों ओर बिखरे हुए हैं. ऐसा ये सारा कुछ उनको सामने देखने में पता चल रहा है. ही इज द किंग ऑफ ऑल किंग्स. इट इज हिज चैरियट एंड हियर इज द बेगर. द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड. चैरियट मीन्स रथ उसी जगह रुका जहां मैं खड़ा था. Thy glance उनकी चमक, तुम्हारी चमक, किसकी चमक? गॉड की. Thy glance fell on me आपकी चमक मुझ पर पड़ी. And thou camest down with a smile और आप, thou means you, आप नीचे उतरे एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल के साथ. I felt that the luck of my life had come at last. अब मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी का अच्छा समय आ गया है. अब अंत में
मैं लकी हो गया हूँ, मेरी जिंदगी अब सफल हो गई है. देन ऑफ अ सडन thou didst hold out thy right hand and say, what hast thou to give to me? अब यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है पोएट को कि भगवान उनके आगे अपना राइट हैंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है. What hast thou to give to me? तुम मुझे क्या दोगे. Ah, what a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg? अब यहाँ पे beggar means poet आश्चर्यचकित हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप कैसा मजाक कर रहे हैं. Jest means joke. आप कैसा मजाक कर रहे हैं कि अपना हाथ आप मेरे आगे फैला रहे हैं जो कि खुद एक beggar है, एक भिखारी है, उसके आगे आप भीख मांग रहे हैं. I was confused and stood undecided. और मैं बिल्कुल confused हो गया और चुपचाप बिना कुछ सोचे खड़ा हो गया, कुछ भी नहीं सोच पा रहा था. And then from my wallet I slowly took out the least little grain of corn and gave it to thee. और तब मैंने, मुझे याद आया कि मेरे वॉलेट में कुछ ग्रेन्स पड़े हैं, मैंने धीरे से अपना हाथ डाला पॉकेट में और ग्रेन ऑफ कॉर्न मीन्स कुछ अनाज के दाने निकाले और आपके हाथ पर दे दिया. दी मतलब आपको, यू ओके. बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज व्हेन एट द डेज एंड आई एम्प्टीड माई बैग ऑन द फ्लोर टू फाइंड अ लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड अमंग द पुअर हीप. I bitterly wept and wished that I had the heart to give thee my all. अब यहाँ पे पोएट बहुत दुखी हो रहे हैं कि काश उन्होंने आपको पूरा जितना भी ग्रेन था उसको दे देना चाहिए था, क्योंकि उनके पास काफ़ी कुछ सरप्राइज था देखने के लिए. क्या कि उनके पास काफ़ी चीज़ें आ गई थी. वो बहुत दुखी हो रहे थे पोएट कि काश मैंने आपको अपना ये सारा ग्रेन का टुकड़ा दे दिया होता. ठीक है स्टूडेंट्स, द पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. लेट्स रीड अबाउट हिम. अब हमें इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है. रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में ये बॉर्न हुए थे, 1941 में इनकी डेथ हो गई थी. टैगोर ऑल्सो नोन एज गुरुदेव, टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है, वॉज एन इंडियन पोएट नॉवेलिस्ट कंपोजर प्ले राइट एंड आर्टिस्ट. ये इंडियन थे, पोएट नॉवेलिस्ट कंपोजर प्ले राइट एंड आर्टिस्ट. ही रोट इंडियाज नेशनल एंथम, इन्होंने नेशनल एंथम जनगणमन लिखा है, राइट. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 में इन्हें नोबल प्राइज मिला था. किसके लिए? लिटरेचर के लिए. Tagore lived during the peak of India's struggle for independence and wrote to encourage his fellow countrymen in their struggle. He wrote to motivate people to be honest and truthful with oneself. इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, ऐसी ऐसी poems और stories लिखी हैं जिससे कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि उन्हें ऑनेस्ट मतलब ईमानदार रहना है और सच की राह पर चलना है, एक दूसरे से सच्चाई की रास्ते पर हमें कंटिन्यू चलना है. सो स्टूडेंट्स, हियर आर द वर्ड मीनिंग्स फॉर यू. यू हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपी. आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में ये वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट करना है और लर्न करना है. A little more of the poem. अब यहाँ पे question and answers हैं. You have to answer these questions. Where did the chariot stop? Chariot कहाँ रुका? Who came down from the chariot with a smile? Chariot पे से कौन उतरा? Number two, who is referred to as the king of all kings and why? King of all kings किसे कहा गया है और क्यों? Why do you think the beggar becomes hopeful on seeing the golden chariot? अब हमें सोचना है कि वो beggar इतना hopeful क्यों हो गया था, कि वो golden chariot को देख के इतना खुश क्यों हो गया था, means उत्साहित क्यों हो गया था. Number four, ah, what a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg? I was confused and stood. Now questions, number A, what do you understand by kingly jest? आपको kingly jest से क्या मतलब समझ में आता है?
नंबर बी व्हाई वाज द बेगर कंफ्यूज्ड, बेगर कंफ्यूज्ड क्यों था, एंड नंबर सी व्हाट डिड द किंग आस्क फॉर, किंग ने क्या मांगा, क्या पूछा उससे, क्या बोला. नंबर फाइव व्हाट मेड द बेगर फील सरप्राइज्ड एंड सॉरोफुल ऑन डिस्कवरिंग द गोल्ड ऑफ सॉरी ग्रेन ऑफ गोल्ड, क्यों मतलब वो सरप्राइज्ड क्यों हुआ और दुखी क्यों हुआ जब उसने देखा कि ग्रेन ऑफ गोल्ड उसके पास है बचा हुआ. नंबर सिक्स आई बिटरली वेप्ट एंड विश्ड दैट आई हैड द हार्ट टू गिव दी माय ऑल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द गिवन लाइंस इन योर ओन वर्ड्स, इसको अपनी मेन वर्ड्स में खुद लिखना है, मीनिंग एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में. क्वेश्चन नंबर सेवन द पोएट इज अ पैराबल through which the poet conveys a spiritual message to us. Do you think the poet is trying to portray the value of charity, love and sacrifice? Why is it necessary to inculcate these values in our life? Means यहाँ पे बोल रहा है कि क्या poet एक अच्छा image अपना बनाना चाहते थे, charity, love और sacrifice के बारे में उनके मन में बहुत अच्छी बातें थी, और क्या ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ में लगानी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए. तो इसके ऊपर आपको पूरा कंप्लीट आंसर मेंशन करना है. क्वेश्चन नंबर एट दाई गोल्डन चैरिट अपीयर्ड इन द डिस्टेंस लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दीज इन द अबव लाइंस एंड एक्सप्लेन देम इन योर ओन वर्ड्स. पहले हमें ये देखना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है और इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर नाइन How can you express your love and concern towards the street children who are often seen begging on the streets? आपको अपना एक्सप्रेस करना है लव और कंसर्न उन चिल्ड्रन के लिए जो आप स्ट्रीट्स पे बेगिंग करते हुए जिन्हें देखते हो. ओके क्वेश्चन नंबर 10 इट इज इन गिविंग वी ट्रूली रिसीव, जब हम किसी को देते हैं तब एक्चुअली हम रिसीव करते हैं, है ना. मीन्स हमें खुशी मिलती है ना जब हम किसी को कुछ देते हैं और उसे बहुत अच्छा लगता है. ही फील्स वेरी नाइस, ही और शी फील्स वेरी नाइस एंड थैंकफुल ऑल्सो, अगर हम उसे कुछ बिना किसी इच्छा के देते हैं तो. डिस्कस एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ. सो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है. यू कैन चेक द आंसर फ्रॉम हियर. दीज आर ऑल आंसर्स टू द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, 6, 7, 8, 9 एंड दिस वन इज 10. सो स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 till 10. Okay, now let's switch on to the exercises related to grammar portion. As you know, what is a noun? Noun is a name of a person, place, animal or thing. But we have to know the kinds also. There are 5 kinds of nouns: proper noun, common noun, abstract noun, collective noun and material noun. As previously we have done in the grammar portion, so let's go through it very fast. A proper noun tells the name of a particular person, place or thing. Example, Ram, Delhi. We also put the before some proper nouns, just like the Taj Mahal. The USA means for a particular thing jiska koi dusra roop na ho. That is Taj Mahal. Iska koi dusra. Ye unique hai. Taj Mahal kya hai? Unique hai. So that's why iske aage hum the lagate hain. A common noun gives a common name to a person, place, animal or thing of the same kind. Same kind है तो हम plant बोल देते हैं. उसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे rose plant है और या फिर किस pea plant है. ये single plant, एक kind हो गया तो that is common noun. अब कौन सा plant है ये mention नहीं किया है. Goat, okay. An abstract noun refers to a quality. Abstract noun क्या है? Quality refer करता है feeling या concept. Which cannot be seen but only felt. जिसको हम देख नहीं सकते, touch नहीं कर सकते, but we can feel it. For example, honesty, blindness. Collective noun names a group of people or things of the same kind. Means एक group बनाते हैं किसी भी एक kind को लेकर. अगर हम people का group कहते हैं तो we will call it as crowd.
or team of players, library of books, like this. ठीक है. A material noun names a material or substance that is usually used to make things. For example, gold, wood. It's like we can say pencil is made of wood, your chair is made of wood. So the ingredients which we use are the material noun. Okay, now let's do exercises. Exercise A, find the proper nouns in the word grid and write them with their common nouns. Month, यहाँ पे आपको कोई मंथ का नाम मेंशन किया होगा, दैट यू हैव टू राइट हियर. सिटी का नाम होगा, किसी प्लैनेट का नाम है, कंट्री का नाम है एंड कोई कॉन्टिनेंट इसमें मेंशन है. जस्ट लाइक सिटी यहाँ पे दिल्ली दिया हुआ है, इस तरह से आपको सर्च करना है. एशिया है, ये कॉन्टिनेंट है, राइट. तो लाइक दिस यू हैव टू सर्च. स्पेन एक कंट्री है, यहाँ पे इसमें स्पेन दिया हुआ है. मे एक मंथ है, मैं मंथ का नाम मेंशन किया हुआ है. प्लैनेट वीनस दिया हुआ है, यू हैव टू राइट वीनस हियर. एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द क्लाउड. इसमें कलेक्टिव नाउन्स इसमें ढूंढ के सर्च करके मेंशन करना है. डैश ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स. डैश ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश. नंबर थ्री, अ डैश ऑफ पपीज. देन अ डैश ऑफ सोल्जर्स. देन द स्क्वाड्रन ऑफ सोल्जर्स एंड देन a dash of ministers, a cabinet of ministers. Here we will write a litter of puppies. Exercise C, fill in the blanks with abstract nouns or adjectives. Adjectives yahan pe fill karna hai, abstract noun aapko yahan pe fill karna hai, adjectives yahan pe fill karna hai. Theek hai, adjective abstract noun, adjective abstract noun. Dark, darkness. Deep, depth. True, truth. Useful, use. Then usefulness. Good, goodness. Like this, you have to complete this exercise. Now, singular and plural. According to the number, nouns can be classified singular and plural. Singular means denoted to one person or thing or place. Means किसी एक चीज के बारे में बात हो रही होती है तो वो singular noun होता है. और जब more than two persons होते हैं या place या thing, तो we will call it as plural nouns. Change the nouns in bold into singular forms. ठीक है, singular nouns में change करना है. Number one is done for you. Clowns, clown. Jugglers, juggler. Loaves, loaf. LOAF. Mangoes, MANGO. Buses, BUS. Tomatoes, TOMATO. Okay, like this you have to complete changing it into singular nouns. Nouns, gender. What is gender? Masculine, feminine and common gender. There are three types of genders. Genders में वो होते हैं genders जिनमें हमें male या female का पता चलता है, या फिर अगर वो दोनों होते हैं तो वो common gender होता है, right? So, feminine gender, masculine gender and common gender. Neuter gender भी होता है students. Neuter gender वो होता है जिसमें हमें नहीं पता होता कि वो male है या फिर female है. That is neuter gender. Without life, that is neither male or female. यहाँ पे either female or male होता है. Means doctor अगर हम कहेंगे तो doctor can be a girl, doctor can be a boy. ठीक है, so that's why it is common gender. There are four types of gender. Exercise A, underline the masculine gender, circle the feminine gender, tick the neuter gender. So you have to do, आपको इसमें से सर्च करना है कि कौन सा मस्कुलाइन जेंडर है, कौन सा फेमिनाइन जेंडर है एंड विच वन इज न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बी, कंप्लीट द ब्लॉक्स विद द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. इनके आपको फेमिनाइन जेंडर में इसको चेंज करना है. प्रीस्ट, प्रीस्टेस. एक्टर, एक्ट्रेस. फॉक्स, सर. लैंडलॉर्ड, नेफ्यू. लाइक दिस यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. ओके, यू कैन चेक आंसर फ्रॉम हियर. Grammar portion, numbers, that is singular and plural, these are all answers, and gender, exercise A and exercise B, priestess, vixen, landlady, actress, madam and niece. Like this you will have to complete this exercise, and question answers you will have to do each and every question and word meanings in your fair copy, that is in your classwork
notebook, English classwork notebook. Thanks for today.